इनके जो घरों के दरवाजे हैं वो पूरी तरह से, मतलब आप देख रहे होंगे कि टूट फूट चुके हैं, वो बना रहे हैं। आप ऊपर देखो, टिन शेड लगा है और इतनी भयंकर गर्मी में। तो इन्होंने अपने, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ये इस तरह से पैसे इकट्ठे करके, जैसे नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं पूजा माहेश्वरी आपकी दोस्त और स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में, जो मैं आपको शूट करके दिखा रही हूँ श्रीलंका से। जी हाँ, मैं भी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में हूँ। और जैसे हमारे महानगरों मुंबई और दिल्ली में छोटे छोटे स्लम एरियाज होते हैं, दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में, लेकिन श्रीलंका के स्लम एरियाज के बारे में। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, और ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये वाला जो एरिया है जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, ये समझ लो ये यहाँ का मेन एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं, बड़े बड़े चेन के होटल्स हैं और सारी चीज़ें हैं। और उसी के दूसरी तरफ इस साइड मैं जाने वाली हूँ, मतलब बिल्कुल बड़े होटल के सामने वाले एरिया में, और देखेंगे यहाँ पे क्या है। बस श्रीलंकन रुपीज़ नहीं थे, मैं अभी यहीं मार्केट में थी, एक्सचेंज रेट इन्होंने मुझे 3.7 दिए और मैंने अभी सिर्फ 1000 रुपये का एक्सचेंज करवाया, तो ये 3700 रुपये आ गए। तो अभी चलते हैं इस जगह पे जहाँ पे जाना है। So this is the tallest building. This is the tallest building now in Sri Lanka. Before the World Trade Center is the tallest one. Okay. तो ये है श्रीलंकन करेंसी, यहाँ पे ये है 1000 का नोट, ये जो है ये 500 का है, ये 100 का है, फिर 50 का है, 20 का है, और ये 10 का कॉइन भी है। तो कुछ इस तरह से है। अगर बात करें नोट के उसकी, तो बिल्कुल पेपर मटेरियल है, और जैसे हमारे यहाँ पे पीछे कुछ ना कुछ होता है बना हुआ, वैसे यहाँ पे भी ये सब कुछ बना हुआ है। तो अब मैंने ऑटो ले लिया है, और इन ऑटो वाले भैया ने मुझे बोला है कि मैं अपने ही घर ले जाता हूँ, हम खुद ही पुअर हैं। सो लेट्स सी वहाँ जाके, मतलब हमको क्या देखने को मिलता है। ये जिस एरिया में ले जा रहे हैं ये वो एरिया नहीं है जहाँ मुझे जाना था। मुझे जहाँ पे जाना था वो था आलू कट्टा करके समथिंग एरिया, वहाँ पे वो यहाँ से था लगभग 3.5 किलोमीटर, लेकिन अभी जहाँ पे मैं जा रही हूँ वो लगभग 7 किलोमीटर दूर है। और इनका कहना है कि यहाँ इनके आसपास में सारे लोग, मतलब काफ़ी मजबूर है और काफ़ी गरीबी में जी रहे हैं। तो देखते हैं वहाँ जाके कि लोग आखिरकार कैसे जी रहे हैं। और रिक्शा वाले हैं तो मैंने, मतलब भरोसा किया, तो इसी भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे भरोसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो भी है चल के देखते हैं। मैं पहुंच चुकी हूं उस जगह पे जो कि यहाँ के, मतलब आप बोल सकते हो स्लम एरियाज है। तो देखते हैं यहाँ के लोग कैसे हैं। और ऑलमोस्ट पहुंचने में मुझे इस जगह पे लग गया है आधे से एक घंटा, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ के घर है, कुछ कुछ पक्के हैं और कुछ कुछ इस तरह से हैं। तो फ्रॉम वेयर यू गेट इलेक्ट्रिसिटी, इज इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री हियर, लाइक हाउ? नो, इन बिल, बिल बिल यू गेट बिल, वन मंथ बिल है, बिल यू हैव, या फिर एक मंथ जो इन श्रीलंका। ओके, सो ऑन एन एवरेज व्हाट आर दे चार्जिंग लाइक फॉर अ मंथ? हमें लाइट बिल किए थे मां से कट, लाइट बिल किए थे मां से कट 1600 रुपीस दे आर चार्जिंग, या व्हाट इन बिल हैव इन वाटर बिल किए थे about a bill in 1700. Okay, you get water bill, electricity bill. Electricity. Okay, and for the cooking gas? Yeah, cooking gas, I have money pay in the you gas. You pay? Thing. Yeah. So it's a cylinder or how is the? Yeah, one how in that one cylinder have in I'm going to buy in a. So how much for one cylinder? Maximum in 4000 madam. 4000. 4000. तो मतलब यहाँ पे 1000. And how many liter gas in one cylinder? 12 kilogram. 12 kilogram. तो यहाँ पे 12 किलो जो गैस मिलती है वो लगभग इनको 1000 रुपए की पड़ती है। जबकि do you have any free food kind of you know service from government? Everything in the money pay madam. Buy all together. So no facilities are given by government. And what about the medical, like any free? Medical in the free. Okay. In tablet have in the hospital no okay. item in okay. pharmacy. So if there is no tablet in hospital, you need to go outside and buy from yeah, there. Yeah. Okay. And about education, like school, colleges. In your students are going, your kids are going for study. Your kids. I am in the three son. Three son. Yeah. Okay. So they are going to school for study. Yeah, तो ये घर है जिसमें मैं जा रही हूँ।
ये बाहर इन्होंने जैसे अपने गाँव में नहीं होता है कि छोटी छोटी सी घर के बाहर ही दुकान खोल ली जाती है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान वगैरह रख लेते हैं और फिर उससे अपना गुजारा चलता है। अच्छा तो ये मुझे जूते बाहर खोलने से मना कर रहा है, थैंक यू। सो ये इनका घर है, वेडिंग फोटोग्राफ, तो ये इनके शादी की फ़ोटोग्राफ है और ये कुछ इस प्रकार से घर है, बिल्कुल सीमेंट की ये पाइप है और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये टिन शेड इनके यहाँ पे लगा हुआ है और पंखे का भी बुरा ही हाल है और कुछ इस तरह से है। तो ये पहले अपन पूरा घर देख लेते हैं इनका, फिर इनसे बातचीत करके जानते हैं। तो ये देखो भाई, बहुत ही पुराने ज़माने का जो नहीं होता है टीवी, जो यहाँ पे फ्रिज है और ये अलमारी है, मतलब बहुत ही छोटी सी जगह में। और आंगन अगर आप देखोगे तो आंगन भी बिल्कुल कच्चा कच्चा सा है, इसमें मतलब कोई फ्लोरिंग नहीं डाली हुई है। और ये इस प्रकार से भाई इनका जो है बेडरूम है, इसमें इन्होंने मच्छरों से बचने के लिए वो जो पुराने टाइम में जालियाँ नहीं डाल देते थे वैसे जालियाँ डाली हुई है। ऊपर यहाँ पे भी शेड है, बहुत ही ज़्यादा भाई इनका गरीब सा घर लग रहा है। और ये और आगे हमको दिखा रहे हैं, ये इनका घर ख़त्म हो गया है। ये इस प्रकार से यहाँ पे पीछे इन्होंने जो है खाद वाद भाई डाली हुई है, केले वेले की, और इस पे पेड़ पौधे उगाए हुए हैं। और ये तंग गलियों से, छोटी छोटी गलियों से अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ। और ये इनकी किचन है, तो भाई बहुत ही देखा जाए तो दयनीय टाइप की किचन है ये। इस तरह से इनके यहाँ पे इन्होंने सामान वगैरह रखा हुआ है और कुछ इस प्रकार से इनकी किचन है। ऊपर अगर आप शेड देखोगे तो ऊपर प्रॉपर वो हुई भी नहीं है इनके यहाँ पे फ्लोरिंग वगैरह, और जो दीवारें भी हैं वो बिल्कुल सीमेंट की और कच्ची कच्ची सी है। और यहाँ पे इन्होंने ये खिड़की टाइप दे रखा है जिससे कि बाहर से थोड़ी रोशनी वगैरह आ जाए, बाकी लाइटें भी बहुत कम सी है। बाकी इनसे जानते हैं यहाँ पे बिजली वगैरह कैसे आती है, पानी की क्या सुख सुविधाएँ हैं और किस तरह से बाकी सारी है इनकी जीवन शैली। सो अब ये जो माता जी हैं ये मुझे दिखा रही हैं, आंटी जी, कि किस तरह से इनका होता है। अब इन्होंने ये दिखा रही है कि इनका जो घर है ये पूरी तरह से टूट फूट की हालत में है, पूरे घर में जो है इनके दरारें आ चुकी है। और इस प्रकार से इनका जो बाथरूम है उसमें भी पूरी तरह से दरारें आ चुकी है, जाले वाले लगे हुए हैं और बाथरूम की हालत भी बिल्कुल हाइजीन मेंटेन नहीं है। हालांकि इन्होंने साफ़ सफाई पूरी तरह से रखने की कोशिश की है, लेकिन जो सुख सुविधाएं हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। ये रोशनदान भी कुछ इस प्रकार से है और कुछ इस प्रकार से भाई इनका रहन सहन है। इनके घरों के पीछे ही इन्होंने कुछ पेड़ पौधे लगा रखे हैं और कुछ इस तरह का बैकयार्ड है, बहुत ही खूबसूरत है भाई। साफ़ सफाई के मामले में यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं, मतलब साफ़ सफाई बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे इन्होंने कुछ डाला हुआ है, मैं पूछती हूँ ये सारी चीज़ें ना ये खाद के रूप में डालते हैं। तो चलिए कुछ इस प्रकार से है इनके घर के पीछे का, बाकी इनसे बात करते हैं। How old are you? 68. Oh, you don't look like. You're looking so pretty. जो घर है वो पूरी तरह से लंबा लंबा सा बना हुआ है, प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है इनके। सो अभी हम चल रहे हैं इनके घर के अंदर, ये इनके बिल्कुल पास में ही रहते हैं। Your good name? My name Shishira Jayaratna. Shri Jayaratna. Shishira Jayaratna. Okay. Do you speak English, Hindi, or any other language? Singly. ओके सो ये इनके घरों के पास से ही बिल्कुल ये नालियाँ जा रही है। सो ये मुझे बता रहे हैं कि ये हैं 48 साल के और इनका घर जो है वो मैं आपको फोटोज में दिखाती हूँ। कैन यू शो द पिक्चर्स ऑफ योर हाउस? सो ये अपना घर बता रहे हैं जो यहाँ से लगभग दूर घर मतलब है इनका, करीबन दूसरी जगह पे पड़ता है। कुछ इस प्रकार से इनका घर जो है वो दिखता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा
मतलब कह सकते हो आप गरीब हालात में है, और यहाँ पे ये रिक्शा चलाते हैं, इनको इंग्लिश विंग्लिश सब बोलने आती है, देखो बिल्कुल मस्त इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी इनकी वाइफ और इनके तीन बच्चे जो हैं वो इस गांव में रहते हैं, और ये 48 साल के हैं और इस प्रकार से ये कर रहे हैं। ये बूढ़ी काकी जी हैं, ये इनकी मम्मी है, मतलब इनकी सास और ससुर के साथ रह रहे हैं, इनकी वाइफ और इनका बाकी का जो परिवार है ना वो दूसरी जगह पे रह रहा है, तो कुछ इस प्रकार से ये अपना घर जो है, दो घर एक तरह से ये चला रहे हैं एक रिक्शा चला कर। तो भाई ये अब अपन जा रहे हैं दूसरे घर में, और इस घर में अंदर घुसते ही आपको बुद्ध भगवान की तस्वीर दिखेगी आपको, मतलब श्रीलंका में मोस्टली लोग जो हैं वो श्रीलंका की ही भाषा बोलते हैं और बुद्धिस्ट मतलब कल्चर को फॉलो करते हैं। और अभी मुझे जो है यहाँ पे दिखाई दी है ये कौन बनाता है उनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं दादाजी जो इसको बना रहे हैं, आप ऊपर देखो टिन शेड लगा है, और इतनी भयंकर गर्मी में आपको मतलब पता ही होगा, वैसे भी हर जो एरिया होता है मतलब जो अपना समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और अभी तो फिर भी सर्दियों का मौसम चल रहा है अपने भारत में, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है क्योंकि अभी जो महीना है वो फरवरी का चल रहा है, लेकिन जब मई जून की भयंकर गर्मी होती होगी तो यहाँ पे और कितनी ज़्यादा गर्मी होती होगी। और उस गर्मी में भी ये बनाते हैं इडियप्पम जिसे बोलते हैं, आपने केरला में सुना होगा कदकली, मतलब चने की सब्जी के साथ इसको खाया जाता है, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बना रहे हैं। मैं आपको बनाते हुए दिखाती हूँ। स्टोव दिस इज स्टोव, ओके, केरोसिन, इट्स वाटर। तो भाई ये पानी को इस प्रकार से उबाल रहे हैं और इसमें ये डाल के बना रहे हैं, और अपने जीवन यापन के लिए ये यही करते हैं। और यहाँ पे इस प्रकार से ये आटा रखा हुआ है भाई, साफ सफाई के मामले में देखो कितनी सफाई से ये बना रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरी किचन है। इतना तो घर में मेरी मम्मी भी इतनी सफाई से नहीं बनाती, कुछ भी बनाती तो पूरा फैल जाता है, बहुत ही साफ सफाई से ये हर चीज़ बना रहे हैं। और कुछ इस प्रकार से इनके पास में ये सांचे हैं जिसमें ये डालते हैं ये आटा जो इधर रखा हुआ है, इस आटे को डाल के और फिर इस पानी में डाल के उबालते हैं। यू यूज दिस फ्लोर, यूज दिस दिस राइस, राइस, तो ये राइस का आटा है जिसको ये इसमें डालते हैं, फिर इसमें इसको सिर्फ उबाल के पानी में बना लिया जाता है। और इनकी हालत देखो आप, बिल्कुल गरीबी से लाचार, इतने भयंकर पसीने में ये घूम रहे हैं, और इस एज में भी इनको इतना काम करना पड़ रहा है। ये मुझे बता रहे हैं कि ये 6 रुपए का एक बेचते हैं, मतलब श्रीलंकन 6 रुपए, तो मतलब 1.5 रुपए करीबन का एक हो गया इंडिया के हिसाब से, और पूरे दिन भर में लगभग 300 तक बेच पाते हैं, यानी 1800 रुपए तक की इनकी कमाई हो पाती है श्रीलंका के हिसाब से, और उसको अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें तो भाई अगर इसको इंडिया के हिसाब से देखा जाए मतलब 1800 रुपये एक दिन की ये कमाते हैं। और यहाँ पे चीज़ें सस्ती नहीं है बिल्कुल, इंडिया के जो भाव हैं एक्सपेंसेस है उसके बराबर ही है, तो पर डे पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद में भी ये बहुत ही कम आमदनी जो है अपनी कर पाते हैं। इनका घर भी देखोगे तो पूरा ईंटों का सा बना हुआ है, बिल्कुल कच्चा कच्चा घर है, और भाई बहुत ही मुश्किल जीवन इनका है। और इस प्रकार से यहाँ पे ये जो है इन्होंने बर्तन रखे हुए हैं, और भाई कुछ इस प्रकार से इनकी जीवन शैली। ये सोते कहाँ पर है मैं इनसे पूछती हूँ, वेयर इज योर बेडरूम, बेड स्लीप, बेडरूम में यहाँ तक, ओके इट्स देयर आउटसाइड। तो भाई ये इस प्रकार से इनका किचन उधर है और इनका जो बेडरूम है वो इधर है, यहाँ पे इनकी ये दूसरी किचन है, वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि वर्क प्लेस है, और ये इनका घर है जहाँ पे ये रहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से इनके बिल्कुल छोटे छोटे से कमरे हैं जहाँ पे ये सोते हैं। योर वाइफ, कोई माय सिस्टर हाउस, सिस्टर हाउस, ओके, एंड किड्स, किड्स किड्स टू किड्स, ओके, तो इनके दो बच्चे हैं एक पत्नी है, और इतने सारे लोगों का गुजारा इतने कम में न जाने कैसे ही होता होगा, मतलब आप सोच लो 1800 रुपये पर डे में, दो बच्चे भी पालने हैं, बीवी भी है, उसके अलावा बीमारी भी होती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो हमको जीवन में
करनी पड़ती है, उन सब का जीवन यापन इतने कम में इनको यहाँ पे करना पड़ता है। सो लाइक नॉर्मली आई डोंट लाइक टू शूट ये सब कुछ कि कुछ भी आप कर रहे हो तो, बट स्टिल जस्ट टू शो यू कि हम कहीं पे भी जाते हैं वहाँ पे घूमते हैं वहाँ पे इंजॉय करते हैं एंड होटल्स में बहुत ज़्यादा पे करते हैं। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा भी कुछ यहाँ के एक्चुअल लोगों के लिए कुछ कर पाओ, इनफैक्ट कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ के लोगों के लिए थोड़ी सी भी अगर हेल्प कर पाओ तो आपको ज़रूर करनी चाहिए। सो वट एवर आई कैन डू आई एम डूइंग। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी इस तरह से हेल्प करनी चाहिए तो गो टू रूरल प्लेसेस, ऐसे एरियाज में जाओ, ऐसे लोगों से मिलो और उनकी सच में हेल्प करो इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग एवरीथिंग टू एनजीओज। आपको ये सब मतलब मेरे अकॉर्डिंग करना चाहिए। यू हैड 3 times अटैक, सो लाइक गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑपरेशन और वेयर? गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। नो नो लाइक तो भाई देखो ये किस प्रकार से आओ भगत में अचानक से लग गए, फैन वैन चला रहे हैं। तो गरीबों के पास में पैसा ज़रूर नहीं होता है, लेकिन दिल आज तक जितना भी मैंने देखा है, आप भारत में जाओ या भारत से बाहर, गरीबों का दिल बड़ा और अमीरों का दिल मुझे तो छोटा लगता है। तो भाई ये जो बूढ़े दादाजी हैं ये अपनी रिपोर्ट्स दिखाने आए हैं कि देखो मुझे इस तरह से हार्ट अटैक आया था। तो भाई यहाँ पे इन्होंने मतलब ये फोटोज के पास में ही छोटा सा अपना एक बोल सकते हैं पिगी बैंक टाइप बना रखा है, इसी में ये अपने थोड़ा जो भी छोटा मोटा पैसा या जो भी सेविंग होती होगी रखते होंगे। मुझे तो याद नहीं है कब मैंने लास्ट पिगी बैंक वगैरह यूज किया था। उसी तरह से यहाँ पे पास ही में रखा हुआ है ये एक रेडियो भी, और रेडियो भी मुझे लगता है मैंने 8th standard में शायद कभी लास्ट सुना होगा तो सुना होगा। बाकी फ़ोन पे जो FM वो भी बहुत सालों पहले कभी सुना होगा, बहुत टाइम से ना, अब तो TV भी नहीं देखते। कि यहाँ पे आज भी मैंने पीछे जो दादा का घर देखा था उसमें भी था, इनके घर पर भी है, सबके घरों में यहाँ पे आज भी रेडियो मिल रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मुझे लगता है लोग काफ़ी बैकवर्ड है, अभी तक उतना मतलब ग्रो नहीं किया श्रीलंका, और क्राइसिस से भी निकला है अभी मतलब रिकवरी चली रही है। तो शायद अगले कुछ सालों में हमारे मतलब भारत जैसे आगे बढ़ जाए, बट फिलहाल तो बहुत पीछे है। अभी इन्होंने मुझे ये चाय दे दी है, हालांकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था इतनी गर्मी में चाय पीने का, लेकिन अब कोई प्यार से ले आया है तो पी लेते हैं। अब मेरे पास ये चाय आ गई है, आई एम नॉट श्योर इतनी गर्मी में मैं चाय कैसे पीऊँगी, बट प्यार से दिया तो थोड़ी सी पी लेती हूँ। चाय तो अच्छी है बट बहुत ज़्यादा मीठी है, और मुझे लग रहा है ये शक्कर भी नहीं गुड़ का मीठापन है, तो बहुत ज़्यादा चाय अच्छी बनी है लेकिन बहुत ज़्यादा मीठी है। तो पूरी तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊँगी बट थोड़ी सी पी लूँगी। तो पहले इन्होंने मुझे ये चाय दी, इस चाय में ना गुड़ की चाय इन्होंने बनाई है, यहाँ पर लगता है जैगरी ज़्यादा यूज़ होती है। यू यूज़ जैगरी इन टी? जैगरी यही है। और ये है नारियल पानी, तो मैंने नारियल पानी पीना पसंद किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमने देखा श्रीलंका की बिल्कुल आम ज़िंदगी कैसी है, बिल्कुल मेन शहर में, जैसे हमारा देश की राजधानी है दिल्ली, मुंबई जैसी बड़े शहर है यहाँ का कोलंबो, और इस कोलंबो में हमने ये लाइफ देखी, लोगों की लाइफ बहुत ही स्ट्रगल से भरी है। तो ज़रूर बताइएगा कॉमेंट करके। मी पूजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसा भाई यूनिक कॉन्टेंट मैं ही बताने वाली हूँ। लोग तो आपको बस बीच और अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे, बट एक्चुअल लाइफ, रियल लाइफ मैं बताने वाली हूँ।